दिल्ली में 2013 के बाद ऑटो के किराए में बढ़ोतरी होने का रास्ता अब साफ हो गया है। ऑटो किराए में बढ़ोतरी को लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करने से पहले सभी जरूरी अप्रूवल मिल गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में 8 मार्च को हुई कैबिनेट की मीटिंग में ऑटो किराए में बढ़ोतरी होने को मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई। 26 मई को आचार संहिता खत्म होने के बाद ऑटो किराए में बढ़ोतरी से जुड़ी फाइल को आगे बढ़ाने का सिलसिला फिर शुरू हुआ, लेकिन सरकार और अफसरों के अलग अलग रुख के चलते नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। अब सूत्र बता रहे हैं कि ऑटो किराए में बढ़ोतरी से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी पूरी संभावना है और करीब 18.75% ऑटो किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा कि ये रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है और इस फैसले में एलजी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है और सरकार का शुरू से ही ये रुख रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन किए जाने की कोई समस्या नहीं है। कुछ बदलाव जो लागू होंगे वो हैं: वेटिंग चार्ज 50 पैसे से 75 पैसे हर मिनट, 15 मिनट की मिनिमम वेटिंग खत्म, ऑटो किराया 9.5 रुपए प्रति किलोमीटर, मीटर डाउन पर पहले 1.5 मिनट के 25 रुपए लगेंगे, नाइट और लगेज चार्ज में बदलाव नहीं, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक 25% एक्स्ट्रा, लगेज चार्ज 7.50 रुपए एक्स्ट्रा वसूला जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि इस बदलाव से आम जनता पर कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।